हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। उसके बाद हम उस पर बेस को सम करेंगे। इसके बाद हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उस पर बेस सम करेंगे। नेक्स्ट हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन उसको प्रूव करेंगे, उस पर बेस कुछ सम करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में डुप्लीकेशन फॉर्मूला और उस पर बेस को सम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गामा फंक्शन पढ़ना है। गामा फंक्शन क्या है, द गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा एन, ये साइन जो है वो हमारा किसका है, गामा का साइन है। गामा एन इज डिफाइंड एज गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डीएक्स। गामा की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन फिक्स रहेगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी फिक्स रहेगा, डीएक्स फिक्स रहेगा, एक्स टू द पावर e टू दी पावर माइनस एक्स फिक्स रहेगा। यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x टू दी पावर n माइनस 1। अगर ये माइनस 1 के साथ में जो भी है उसकी डेफिनेशन होती है, मतलब यहाँ पर माइनस 1 के साथ में क्या है, n, तो गामा n। अगर यहाँ पर लिखाओ n प्लस 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 के साथ क्या है, n प्लस 2 है, तो यहाँ पर गामा n प्लस 2 की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर यहाँ होगा x टू दी पावर m माइनस 1 तो ये गामा m की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इसकी क्या है, गामा वन इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है। सेकंड प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन, क्या होता है, एन गामा एन। ठीक, एंड गामा एन प्लस वन ये होता है फैक्टोरियल एन। तो इसमें दो फॉर्मूले अलग अलग लगते हैं, कब लगते हैं, जैसे यहाँ पर अगर एन आपका ग्रेटर देन जीरो है और एन क्या है, फ्रैक्शन में है, मतलब पी अपॉन क्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर गामा दिया है 3/2 तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, गामा 3/2, इसको हम n प्लस 1 फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n गामा n, मतलब 1/2 गामा 1/2। तो यहाँ पर 1/2 और गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई होता है, तो रूट पाई आ जाएगा। इस टाइप से हम गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n का फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब यहाँ पर n हमारा किस फॉर्म में दिया होगा, जैसे 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस फॉर्म में अगर दिया है तो हम n गामा n का फॉर्मूला लगाएंगे। और गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n कब लगाएंगे, जब n हमारा इंटीजर में दिया होगा, मान लो यहाँ पर दिया है 6+1 और n इक्वल टू 6 दिया है तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। या गामा 7 दिया है तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। गामा 6 दिया है तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5, मतलब एक कम हो जाए और गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n हमारा इंटीजर में होगा। इसी तरह से एक है गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, इसको हम डेफिनेशन से भी प्रूफ कर सकते हैं और इसको हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हम कब करेंगे, जब हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे, तब उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसको प्रूफ हम कब करेंगे, जब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गामा 1 इक्वल टू 1। तो इसको अभी हम क्या जानते हैं, केवल हम गामा की डेफिनेशन जानते हैं, जो भी हमें प्रूफ करना है वो किससे करना है, गामा की डेफिनेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या होती है गामा की डेफिनेशन, गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डीएक्स। यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, n इक्वल टू 1, तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, गामा 1 इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में e टू द पावर माइनस x x टू द पावर 1, मतलब 1 माइनस 1 0 dx। कितना आ गया ये, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx, x टू द पावर 0 1 हो गया। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस 0। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, मतलब 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी, और ई टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, माइनस ई टू दी पावर माइनस 0 हो या 0 हो, ये हो जाएगा 1। कितना आ गया, 1। गामा 1 इक्वल टू 1 क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक, अब हमें करना है सेकेंड प्रूफ। सेकेंड क्या है, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन। सेकेंड प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन।
सबसे पहले हम क्या जानते हैं, केवल डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है पहले तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ सकती है कि अगर हम n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो हम क्या लिखेंगे, पुट n इक्वल टू n प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना हो जाएगा गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1 मतलब केवल x टू द पावर n रह जाएगा, ये आ गया। अब हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, मतलब फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n, सेकंड हो गया e टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेट करेंगे मतलब माइनस e टू द पावर माइनस x लिमिट 0 टू इंफिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा n x टू द पावर n माइनस 1, सेकंड इंटीग्रेट होगा मतलब e टू द पावर माइनस x विद माइनस साइन, फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब इसे इंटीग्रेट किया तो माइनस e टू द पावर माइनस x। अब इसमें यहां पर देखो, अगर हम अपर लिमिट रखते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन में x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, और अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो इसको देखो, यहां पर हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस लोअर लिमिट, जब हम जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर प्लस क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, जीरो ई टू द पावर जीरो वन तो जीरो इंटू वन जीरो ही रहेगा, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, फिर लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एन e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको मैं रफली समझाती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स की लिमिट है, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन e टू द पावर एक्स। अब इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साथ में डिफ्रेंशिएट होंगे, मतलब एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन में e टू द पावर एक्स, ठीक। फिर हम इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी फिर से अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब n n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू अपॉन में e टू द पावर x, मतलब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तब भी हम x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब वो अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म कब तक चलता जाएगा, अगर मैं ऐसा करूं इसको n टाइम डिफरेंशिएट करूं, n n माइनस वन n माइनस टू, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो n माइनस वन आ रहा है, सेकंड टाइम किया तो n माइनस टू आ रहा है, जब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस एन मतलब x टू द पावर n माइनस एन मतलब x टू द पावर जीरो मतलब वन तक जाएगा, तो थ्री टू वन इस टाइप से सीरीज बनेगी, अपॉन में इसको हम कितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे ये तो e टू द पावर x ही रहेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई x की टर्म्स नहीं आ रही है, जब x की टर्म्स नहीं आ रही है तो यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा, और जब अपॉन में आएगा इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं कि माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू थ्री टू वन अपॉन में क्या आएगा, e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये गामा एन की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यही तो होती है गामा एन की डेफिनेशन। अब इसमें जब हम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा प्लस एन गामा एन, ये आ गया गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रूफ भी हो जाएगा, मतलब गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें अगर हम एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दें, मतलब एन की जगह हम एन माइनस वन रखें, तो कितना हो जाएगा, गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, ठीक, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब अगर हम सेकेंड में n को n माइनस वन से फिर रिप्लेस कर दें
रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन। जब एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया गामा एन माइनस टू। अब गामा एन माइनस वन की वैल्यू को अगर हम सेकंड में रख दें, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा एन माइनस वन इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना आ जाएगा, गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन। गामा एन माइनस वन कितना है, एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। फिर इसके बाद अगर यहां पर हम फिर से रिप्लेस करें कि एन को एन माइनस वन से, तो क्या होगा, गामा एन माइनस टू इक्वल टू एन माइनस थ्री गामा एन माइनस थ्री। इस तरह से अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दें तो यहाँ पर जो n माइनस वन एन माइनस टू फिर n माइनस थ्री एन माइनस फोर एंड सो ऑन अप टू थ्री टू वन, इस टाइप से प्रोसेस हमारी चलती जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। ये आ जाएगा गामा एन इक्वल टू, जब इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब बार बार हम एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करते जाएंगे, तो पहले एन गामा एन की वैल्यू थी, फिर हमारे पास गामा एन माइनस वन की आई, फिर हमने रिप्लेस किया तो गामा एन माइनस टू की आएगी, फिर गामा एन माइनस थ्री एन माइनस फोर। इस टाइप से ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक हमारे पास वन नहीं आ जाएगा। तो गामा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू थ्री टू वन। देन गामा एन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अप टू एन, इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन। यहाँ पर वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन माइनस वन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन। लेकिन जो हमारा प्रूफ है वो क्या है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन, तो लगभग वही प्रूफ हमारा हो गया। तो अगर हम इसमें एन इक्वल टू एन प्लस वन रख दें तो क्या आ जाएगा, गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन, यही हमको प्रूफ करना था। तो वो दोनों प्रूफ हमारे एक साथ ही चलेंगे, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन पहले प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद उसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन प्रूफ हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो प्रूफ है गामा वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई, वो हम जब हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे उससे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी रूट एक्स ई टू द पावर माइनस थ्री रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें हमको पहचानना होगा, कभी लिखकर नहीं आता है कि इसको बीटा फंक्शन से करना है या इसको गामा से करना है, तो गामा के डेफिनेशन कौन को किस टाइप के सम बनते हैं, तो देखो यहाँ पर लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है, मतलब ये गामा की डेफिनेशन बनेगा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी वो गामा की डेफिनेशन बनेगा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो भी वो गामा की डेफिनेशन बनेगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी लिमिट आ रही है जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक, तो केवल एक प्रॉपर्टी होती है जो बीटा में जीरो से इन्फिनिटी में होती है, ठीक, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन यहाँ पर मेनली हमको क्या देखना है कि इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है वो गामा की डेफिनेशन बनता है मोस्टली सम में। ई टू द पावर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी गामा की डेफिनेशन बनेगा, और अगर इंटीग्रेशन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है तब भी वो गामा की डेफिनेशन बनेगा। तो इस टाइप की अगर सम आते हैं तो हमें किससे करना है, गामा की डेफिनेशन लगानी है। सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस थ्री रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के बिना तो होगा नहीं, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स हमको चाहिए होता है, यहाँ पर माइनस थ्री रूट एक्स है, तो हमने क्या किया कि माइनस के साथ जो भी लिखा है उसको हमने टी मान लिया। तो यहाँ पर रूट एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया, थ्री रूट एक्स का होगा वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, टू बाई थ्री
और रूट एक्स, रूट एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, रूट एक्स हो जाएगा टी बाय थ्री, ये हो गया टी बाय थ्री डी टी। ठीक, यहां से कितना होगा आई इक्वल टू, जब हम एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो टी इक्वल टू जीरो, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस थ्री रूट एक्स, थ्री रूट एक्स को हमने क्या लिया टी रूट एक्स, रूट एक्स कितना आ रहा है टी बाय थ्री, मतलब टी बाय थ्री, एंड डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है टू टी अपॉन नाइन डी टी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, कॉमन कितना आ जाएगा टू अपॉन ट्वेंटी सेवन, ठीक, ई टू द पावर माइनस टी एंड टी स्क्वायर डी टी। तो देखो यहां से ये डेफिनेशन बन रहा है, मतलब टू अपॉन ट्वेंटी सेवन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी। डेफिनेशन हम जानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है कि गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, लिमिट आ रहा है जीरो टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल यहाँ एक्स है यहाँ टी है, कोई दिक्कत नहीं है, ई टू द पावर माइनस टी एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पर उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर को, हम थ्री माइनस वन डी टी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टू अपॉन ट्वेंटी सेवन, डेफिनेशन कितनी हो गई, किसकी हो गई, ये गामा थ्री की हो गई। ठीक, अब गामा एन प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास एन इंटीजर में है, तो यहाँ पर इंटीजर में है, मतलब एन प्लस वन है तो एन हो जाएगा, तो एन होगा तो एन माइनस वन, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, मतलब टू अपॉन ट्वेंटी सेवन फैक्टोरियल टू। तो हमारा आंसर कितना आ गया, फोर अपॉन फैक्टोरियल टू, टू टू इंटू टू फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का एक सम हम और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फोर एक्स एक्स टू द पावर फाइव बाई टू डी एक्स। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसको एक इंटीग्रेशन आई से डिनोट कर दिया, इन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फोर एक्स एक्स टू द पावर फाइव बाई टू डी एक्स। इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पिछला सम किया है, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ई टू द पावर माइनस एक्स डेफिनेशन में होता है, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस फोर एक्स, फोर एक्स लिखा हुआ है, मतलब e टू द पावर माइनस है, तो माइनस के साथ जो भी लिखा है उसको हम दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा t बाय फोर, और जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा dx इक्वल टू वन बाय फोर डी टी। ठीक, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट पर, जब हम x इक्वल टू जीरो रखेंगे t इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, ई टू द पावर माइनस फोर एक्स, फोर एक्स इक्वल टू कितना है टी, एक्स इक्वल टू कितना है टी बाय फोर, टी बाय फोर होल टू द पावर फाइव बाय टू, एंड डी एक्स इक्वल टू कितना है वन बाय फोर डी टी। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की, फिर वन अपॉन फोर, यहां पर कितना है फोर टू द पावर फाइव बाय टू, और वन अपॉन फोर टू दी पावर वन, तो ये हो जाएगा फोर टू वन बाय फोर होल टू दी पावर सेवन बाई टू, ई टू दी पावर माइनस टी, टी टू दी पावर फाइव बाई टू डी टी। ये हो गया आई इक्वल टू वन अपॉन फोर टू दी पावर, फोर को हम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, टू स्क्वायर होल टू दी पावर सेवन बाई टू, मतलब इस टू से ये टू गया। इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी, फिर t टू दी पावर n माइनस वन के फॉर्म में लिखना होता है, मतलब लिमिट क्या होती है जीरो टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x, x टू दी पावर n माइनस वन, तभी तो डेफिनेशन बनेगा। यहाँ पर हमें n माइनस वन के फॉर्म में लाना है, मतलब इसको हम सेवन बाई टू माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक, तो वन अपॉन टू टू दी पावर सेवन, ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी एट। ये डेफिनेशन से गामा की डेफिनेशन क्या होती है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस x एक्स टू दी पावर माइन एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर एन इक्वल टू क्या है सेवन बाई टू, ये हो गया गामा सेवन बाई टू। ठीक, अब इसको ओपन कैसे करते हैं मैं इसको साइड में बताती हूँ। जैसे यहाँ पर गामा सेवन बाई टू है, सेवन बाई टू को हम लिख सकते हैं फाइव बाई टू प्लस वन, तो गामा एन प्लस वन क्या होता है एन गामा एन, मतलब फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू। ठीक, फिर फाइव बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं
थ्री बाई टू प्लस वन, फिर गामा एन प्लस वन की प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा फाइव बाई टू, फिर थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू, मतलब एन गामा एन, गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन, मतलब थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू, ये आ जाएगा। फिर फाइव बाई टू थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू को हम लिख सकते हैं वन बाई टू प्लस वन, तो फिर एन प्लस वन, कितना हो जाएगा फाइव बाई टू थ्री बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई टू गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू क्या होता है रूट पाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन वन टू एट। इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। अगर आपको आता है कि गामा सेवन बाई टू, तो आपको क्या करना है माइनस वन माइनस वन माइनस वन करते जाना है जब तक वन बाई टू ना आ जाए, और जैसे ही वन बाई टू आ जाए गामा वन बाई टू, तो आपको रूट पाई लिख देना है, मतलब सेवन बाई टू माइनस वन फाइव बाई टू, फाइव बाई टू माइनस वन थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू, जैसे ही वन बाई टू आएगा तो उसके साथ गामा वन बाई टू भी होगा, उसको हम लिख देंगे रूट पाई। अगर यहाँ नाइन बाई टू होता गामा तो क्या लिखेंगे, गामा सेवन बाई, गामा नाइन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं सेवन बाई टू प्लस वन, तो नाइन बाई टू है गामा में, तो हम क्या लिखेंगे सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, वन बाई टू, जैसे ही वन बाई टू आएगा रूट पाई लिख देना है, तो ये हो जाएगा 128 इंटू एट, मतलब 10 5 3 50 अपॉन 1024 रूट पाई, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे उन पर सम करेंगे, गामा पर बेस्ड अभी हमें काफ़ी सम करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।